उन्होंने गठबंधन बनाया है विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया उसका नाम रखा है, तो अब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं आरएसएस वाले हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं कहना है भारत कहना है। अरे क्यों कहना है, देखो लोकतंत्र में आप कुछ भी कह सकते हो, आपको अर्थिक अधिकार है, मुझे लोकतंत्र का अधिकार करने बताओ आप, अगर इंडिया बनाया तो इंडिया में क्या दिक्कत है आपको, तो आपको लग रहा है ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लोग मोदी जी कह रहे हैं वो तो घमंडिया है, वो कम घमंडी है, अच्छा वो 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखा रहे हमें मोदी जी, अच्छा हाँ जो आप राहुल गांधी की कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर चला जो अगला आदमी कुछ तो है, जो कितने विलोम लगे, बस ये है कि खाली साल ओढ़ के उसमें बैठ जाओ गुफा में, बोले हम भक्ति कर रहे हैं, हिटलर साइड चल रही है और क्या चल रहा है, काम चल रहा है केंद्र सरकार का इस चक्कर में कि एक नहीं हो पाए, जबकि जेब एक नहीं है, ये कितने दलों की सरकार है, एनडीए में कितने हैं, कई सब 32 हैं, और अगर दूसरे मिले तो इनको खतरा होता है, परहेज होता है कि जो चोर लुटे मिल रहे हैं, और जितने भी चोर इनमें आ जाएं वो सब ईमानदार हो जाते हैं। बदलाव तो होना जरूरी है, लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। अब 20 साल इनको झेल लिया है ना, तो उनको भी मौका देना चाहिए, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। इतने घोटाले हैं कह नहीं सकते, ट्रेडर 400 रुपये का मिल रहा था, आज वो 1200 रुपये का है, वो कह रहे हमने 200 रुपये कम करते दिए, तो दो क्या तुमने कितने महीने खाया, 20 साल तुम खा रहे हो, 11 साल थे तो खाई, 10 साल थे रहे हो, एक लगा लो कितना हो जाता है एक आदमी का, अच्छा जितना तुम दे रहे हो ना 200 रुपये कम कर दिए अभी तुमने 4 महीने के लिए, फिर जा कर फिर 400 बढ़ा दोगे, अच्छा बात तो वही रहेगी। अभी ये तुम्हारी पॉलिसी है, लॉलीपॉप पकड़ा दिया एक 200 रुपये का दे रहे हैं, अच्छा अभी 20 रुपये 400 रुपये का भी आ रहा है, 400 रुपये कम कर दिए। मेरा ओम प्रकाश सोनी है। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्डमेंट हूँ। अच्छा क्या करते थे आप पहले? इलेक्ट्रिकल में थे। अच्छा इलेक्ट्रिकल में, बहुत ही नंबर वन में। अच्छा लोग सर्वे कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है माहौल? चुनाव तो बदलाव होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? बल क्या होता है, 20 साल से हैं, क्या हो रहा है? अच्छा कहीं भ्रष्टाचार में कमी है? अच्छा व्यापक घोटाला क्या हुआ? यानी इतने घोटाले हैं कह नहीं सकते। अच्छा इसलिए बदलाव तो होना जरूरी है, लोकतंत्र में बदलाव नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। अच्छा आपको ऐसे लग रहा है 18 साल हो गए हैं, और पिछले 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन वो भी चेंज कर दी गई। नहीं तो उसमें काम हुआ था थोड़ा बहुत दिन। अच्छा जो नकली दूध बेचने वाले थे उन पर लगाम लगी। अच्छा और भी कई कार्य हुए ईमानदारी से हुए, और जब वो चली गई सरकार, यानी जो बिकने वाले बिक गए, सरकार चली गई, फिर वही काम चालू हो गया माफियाओं का। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है, सबसे ज़्यादा नाराजगी भ्रष्टाचार की वजह से या फिर? भ्रष्टाचार की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, क्या चीज़ नहीं है जो बताओ इस समय? अच्छा हर चीज़ अवेलेबल है, यानी जो जनता को चाहिए, जो सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा था आज वो 1200 रुपये का है, वो कह रहे हमने 200 रुपये कम करते दिए, तो दो क्या तुमने कितने महीने खाया, 20 साल तुम खा रहे हो, 11 साल थे तो खाई, 10 साल थे खा रहे हो, एक लगा लो कितना हो जाता है एक आदमी का, अच्छा जितना तुम दे रहे हो ना 200 रुपये कम कर दिए अभी तुमने 4 महीने के लिए, फिर जा कर फिर 400 बढ़ा दोगे, अच्छा बात तो वही रहेगी। अभी ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये चुनाव की पॉलिसी है कि जनता को मोहना, कि जनता को हम कैसे काबू करें, लॉलीपॉप पकड़ा दिया एक 200 रुपये का दे रहे हैं, अच्छा। अभी 20 रुपये 400 रुपये का भी आ रहा है, 400 रुपये कम कर दिए। ये एक भाषण उन्होंने दिया था, शिवराज सिंह जी ने भाषण दिया था कि 400 कम हो जाएंगे, वो महिलाएं रो रही हैं कि सिलेंडर नहीं मिला पिछोर में, 450 रुपये की बात कही थी, वो नहीं हुई पूरी। अच्छा अच्छा तो ये क्या है, ये जुमलों की है, झूठ बोलना। अब देखो लाडली भेजना बना के तो पैसे आ गए, वृद्धा पेंशन के 2 महीने से पैसे नहीं आए, आज आए हैं, कल आए हैं, 2 तारीख को कल बच्चों उनसे बात हो रही थी बुजुर्गों से, वो कह रहे हैं 2 महीने बाद आए हैं आज पैसे। अच्छा 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 अब बोलो क्या है जी? तो आपको लग रहा है ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में मुद्दा बिल्कुल होंगे? मुद्दा देखो जनता की है, जनता की सरकार है, जनता मुद्दे पकड़ेगी और नहीं पकड़ेगी, जो भी इसका होगा वो ले जाएगा। अच्छा, अच्छा। कोई अपने ना तो बीजेपी से कोई गरज है ना कांग्रेस से कोई वादे, तो कमलनाथ जी भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम 500 का सिलेंडर करेंगे, हम तो 1500 रुपये खाते में देंगे करेंगे, उनको देखा जाएगा। अब 20 साल इनको झेल लिया है ना, तो उनको भी मौका देना चाहिए, वो कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है, लोकतंत्र में सबको मौका मिलना चाहिए। अच्छा 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 हाँ तो आपको लग रहा है कि अगर बदलाव इसलिए भी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, लोकतंत्र में बदलाव की पहचान है लोकतंत्र की, पंडियो चापलूई चलती रही। अच्छा अच्छा अगर बात की जाए केंद्र के चुनाव की, उसमें क्या लग रहा है आप, उसमें भी कुछ बदलाव होगा? उसमें भी होगा बदलाव। अच्छा 2024 वाले प्रधान, उसमें देखो आप 1 करोड़ रोजगार मिलेगा साल में। अच्छा 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार के हुआ, 1 करोड़ भी नहीं मिले,
और अग्निवीर की और स्टडी कर दी उनने, जो अग्निवीर जा रहे थे ना, जो जा रहे नौकरी 20 साल करते 15 साल करते अग्निवीरों के लिए 4 साल में बाहर के आना पड़ेगा उनको। तो लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं उससे महंगाई, देखो जनता में थोड़ा महंगाई भी महंगाई बढ़े कोई दिक्कत नहीं, महंगाई तो बढ़ेगी, महंगाई को नहीं रोक पाएगा, बशर्ते कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो होना चाहिए। गरीबों को कौन ध्यान दे रहा है, जितना भी अन्न मिलता है सब बेच रहे हैं लोग, 5 किलो अन्न मिल रहा है बेच रहे हैं, रोड पर माग लगा के लेने वाले लेते हैं, ऐसे थोड़े ऐसे देने से क्या फ़ायदा है। अच्छा, जिन लोगों को मिल रहा है वो अपना बेचते हैं, लेते हैं लोग बाग, चावल वाले 25 रुपये किलो में खेल रहे हैं, गेहूँ वाले, गेहूँ तो बेचता नहीं है कोई, अच्छा चावल बाजरा ज्वार सब बेचता है। अच्छा, ऐसे देने से क्या फ़ायदा। अच्छा, भाई दो उसको, दो जरूरतमंद को दो, ये नहीं कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं उनको अनाज दे रहे हो, तुम क्या मतलब है। अच्छा, आपको लग रहा है मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट सही नहीं बिल्कुल, तो इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं लोग। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, हमारा तो कहना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती उसी में ही है। अच्छा ये बताइए, पिछली बार बदलाव हो भी गया था जैसे 2018 में और सिंधिया जी चले गए उधर, तो कांग्रेस कैसे अपने आप को इकट्ठा करके रखे। ये तो आप भी समझ रहे हो, आप पत्रकार हो, कितना काम चल रहा है केंद्र सरकार का इस चक्कर में, कहीं एक नहीं हो पाए, जबकि जेब एक नहीं है, ये कितने दलों की सरकार है, एनडीए में कितने हैं, कहीं सब 32 हैं, और अगर दूसरे मिले तो इनको खतरा होता है, परहेज होता है कि जो चोर लुटे मिल रहे हैं, और जितने भी चोर इनमें आ जाएं वो सब ईमानदार हो जाते हैं। जैसे उन्होंने गठबंधन बनाया है विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया उसका नाम रखा है, तो अब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, आरएसएस वाले हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं कहना है, भारत कहना है। अरे क्यों कहना है, देखो था लोकतंत्र में आप कुछ भी कह सकते हो, आपको हर चीज़ का अधिकार है, मुझे लोकतंत्र का आएगा फिर ये बताओ आप, अगर इंडिया बनाया तो इंडिया में क्या दिक्कत है आपको। तो आपको लग रहा है ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोग मोदी जी कह रहे हैं वो तो घमंडिया है, वो कम घमंडी है। अच्छा, वो 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखा रहे हैं हमें मोदी जी। अच्छा हाँ, जब आप राहुल गांधी की कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा, 3.5 किलोमीटर चला जो अगला आदमी, कुछ तो है, जो कितने विलोम लगे, कितनी बात हुई, आप कहोगे जो कांग्रेस ही बोल रहे हैं, आपको लगता होगा ऐसा। नहीं, आप अपनी बात कही है, पर बात ये है कि खाली साल उड़ के उसमें बैठ जा गुफा में, बोले हम भक्ति कर रहे हैं, हिटलर साई चल रही है और क्या चल रहा है। देख लो मेरे हिसाब से तो मुझे ही लग रहा है आज मोदी जी के साथ में कोई संघ में नेता चलता है क्या। अच्छा, ये भी उनके आपस में भी आ रहा है सुनने में कि जो नितिन गडकरी हैं उन्हें एक वीडियो वायरल हो रहा है, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, वो तो अभी भी सब है। अच्छा, सब हो रहा है। हाँ, और देखना चुनाव होने में कितने इधर से उधर होती है देखना आप, लोकतंत्र का लोकसभा का चुनाव तो होने से शुरू, कौन बीजेपी के इधर आएंगे इधर के उधर जाएंगे। अच्छा, ये भी अभी आपने सुना होगा, एक विशेष सत्र बुलाया गया संसद का, और लोग ये कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव वाली बात चल रही है। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, विपक्षी एकता का गठबंधन जो समावेशन वो नहीं बन पाएगा उनका। अच्छा, इसलिए दिसंबर में चुनाव करा डालो जी। अच्छा, ये दिसंबर में चुनाव कराने की नीति है। अच्छा अच्छा, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ओवरऑल देश में भी और मध्य प्रदेश में बदलाव होगा। होगा, बिल्कुल होगा, अगर नहीं हुआ बदलाव तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, कौन कैसा काम करता है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। और मोदी जी खाली है, मान लो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी को लाए तो इसीलिए थे हम कि एक विशेष बदलाव होगा, लेकिन हुआ नहीं है। हुआ नहीं, चलिए मंदिर मस्जिद पे ख़त्म हो गया, हिंदू मुसलमान पे ख़त्म हो गया।